bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bodies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band. Come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. जितने भी लोग मुझको अभी उत्तराखंड से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मतलब आज एक्चुअली बसंत पंचमी है। तो आज लास्ट जो होता है घुघुत बनाने का, घुघुत अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता होगा घुघुत क्या होता है। तो बेसिकली एक डिश होती है जो कि उत्तराखंड में बनती है मकर संक्रांति के टाइम पे, और उसको मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी के बीच में आप बना सकते हो। तो आज लास्ट डे था, मतलब आज बसंत पंचमी थी, और आज सुबह ही मम्मी से बोला था कि यार मम्मी इस बार घुघुत नहीं खा पाया। मम्मी ने बोला कि मैंने बना कर रखे हैं, तो जब आएगा तो तब खा लेना। आज ही मेरे पास पार्सल भी पहुंच गया। एक्चुअली मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं उत्तराखंड में अभी, तो वहां से मेरे पास फाइनली घुघुत पहुंच। तो होता क्या घुघुत, एक्चुअली घुघुत जो होता है इस तरीके से डिश होती है। अगर आप लोग यूपी से हो, छठ पूजा अगर आप लोग पता हो तो छठ पूजा के टाइम पे ठेकुआ करके डिश होती है वो बनती है। तो सेम चीज होती है, बस उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। मतलब टेस्ट जो होता है वो सेम होता है, बस दिखने में अलग चीज होती है। और ये मेरे फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज ही मैं मिस कर रहा था, आज ही पहुंच गया, काश कुछ और मांग लिया होता। Hey everyone, welcome back to channel once again guys, I hope आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो ये है भाई नया दिन, छुट्टी है फिर से आज, गोपेश की भी, मेरे भी, शिखर की भी। फिलहाल में जाएंगे घूमने के लिए, जब घूमने जाएंगे तब देखेंगे। आज फिर से चल रहा है सफाई का दिन, कमरा पूरा साफ सूफ कर दिया है, खिड़कियां वड़कियां खोल दी है, थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगा। अब पोछे की बारी है, झाड़ू लग चुका। प्लस हमारे गोपेश, हमारे भैया जी, आज सारे जूते धो दिए उन्होंने, निकाल के। हाँ मतलब जितने मिले तुमको धोने लाए, तो भाई साहब ने सारे जूते धो दिए। मेरे वाले तो खैर जरूरत थी, जो ग्रे वाले थे उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आज फाइनली तो लेबर बनाना आज मुझे भारत से करी शार्क। आजकल हम लोग इसे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ये भी जो शार्क टैंक है ना वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो हर चीज में भाई मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इससे आउट हूँ। यही तो बात है, फाइंड अ मैन हु कैन डू बोथ। टू ऑल माय फीमेल फ्रेंड्स जो कि अभी ब्लॉग देख रहे हैं, ऐसा बंदा ढूंढो अपने लिए जो कि ऐसा काम भी कर सके, और प्लस लास्ट ब्लॉग अगर देखा होगा तो ऐसे मॉडल वाली वॉक भी कर सके, मतलब हीरो हीरो भी बन सके। अरे हाँ, एक और चीज, मेरे घर वालों को, मेरी मम्मी को, मेरी मौसी को ये बहुत पसंद आया था, ये हमारा पोछा। इतना सही, इसको देखो नेक ऐसे रोटेट होता है, तो आप इसको मस्त ऐसे करके पोछा लगा सकते हो, ऐसे चाहो ऐसे लगा सकते हो, या अगर एस टाइप में, जैसा जो होटल मैनेजमेंट वाले ग्रेजुएट है ना, वो लोग वो कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। हमको सिखाया था ना एस शेप में, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ तो भाई बस निकल गए हम लोग घूमी घूमी, घूमने क्या मतलब, अभी जा रहे हैं ऐसे पिज्जा खाने के लिए। इनकी फर्स्ट सैलरी आई है तो हम इनकी पार्टी लेंगे। चलो भाई पिज्जा विज्जा भी खा लो, टाइम टू गो समवेयर। कहाँ जाएंगे लेकिन देख लिया आप लोगों ने, हम आए हुए हैं गोमती नगर का जो रिवर फ्रंट है वहाँ। इन लोगों को दिखाना था भाई, ये लोग आए नहीं थे कभी यहाँ पे भी, तो यहाँ लेके आए, इनको लेकिन पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली वादे वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, और प्लस आजकल इतनी गंदगी हो गई नदी में, मैं दिखाता हूँ पूरी। पहले तो इसमें फोटो शो वगैरह होता था तो उसको मेंटेन रखते थे, अब इसमें इतनी गंदगी है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को भी शायद कैमरे में। लेकिन ऐसा है कि हाँ, शाम की वॉक अच्छा लगता है आप लोगों को, शाम को लाइट्स में घूमना और ये सब तो अच्छी जगह है भाई, मज़ेदार है। आ गई बच्चा, आ गई भाई। ये बात बताओ, उस तरफ जो है ना पूरा का पूरा कूड़ा फेंका हुआ है उन लोगों ने, ऊपर से नीचे को है ना फंसा हुआ उसके ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे तो नहीं फेंकता कोई, नहीं पक्का। चलो भाई वहाँ पे मस्त, हमने अभी चाय पानी पी लिया है, चाय वाय हो गई है, अब चलते हैं।
इसमें होता क्या एग्जैक्टली, क्या कैसे करना होता है, मतलब जैसे कह रहा है मुड़ होता है वैसा होता है क्या? सफेद नहीं, एक कलर हाँ। सॉरी एक रेड कलर जब सारी रेड खत्म हो जाएंगी फिर तुम्हें कलर बनाना होगा। भैया आप कब से खेल रहे हैं? I'm not good in Hindi. You don't have Hindi. Okay, you're from Afghanistan. All right. So how long it's been? Like you have been playing for 5 years. Wow. I'm studying like now university. PG level. Okay. खत्म हो गया गेम. कौन जीता? Oh, nice. कितने पॉइंट से जीते सर? 15-20. 15-20, nice. चलो, you also played well. 3 months versus 3 years. 5 years. Sorry. That's nice. आया मजा? मिल गया चैन इस बंदे ने खुद ने तो इसमें मजे किए हैं लेकिन हम लोगों का 1.5 घंटा इसने यहाँ पर लगा दिया तो खैर मजा आया। तो हमको एक नए दोस्त भी मिल गए भाई अफगानिस्तान से। भाई आप रोज वही पूछते हो क्या खाना है, वही लगा दिया करो आटा दाल सब्जी हमारे लिए। भाई ने आज इतनी सफाई करी सारे जितने धोड़ा ले जितने मिले सब धोड़ा ले इस भाई ने आज भैया जी जो हमारे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया ना इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में और लेकिन हार गए। अच्छे पॉइंट से हारा, मतलब इतना बुरा नहीं हारा। कितने पॉइंट्स में हारा? 4 पॉइंट से हारा, ठीक है इतना चलता है, कोई बात नहीं। तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट इंडिया भाई वो 5 साल से खेल रहा था बंदा, ये 3 महीने से खेल रहा था। चलो भाई अब खाने का टाइम, खाना वाना खाते हैं। और हाँ, जिनको नहीं पता है कि हम लोग क्या खाना खाते हैं तो मैं बता दूँ, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं। बाहर का खाना खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अनहेल्दी खाते हैं, हम खाते हैं ये रोटी दाल सब्जी, तो हमारा खाना ये होता है आटा दाल सब्जी। तो अगली बार सिर्फ जैसा मत बोलो तुम लोग रोज़ ही बाहर खाते हो यार, हम लोग ये घर का खाना खाते हैं ऐसा वाला। आज हमारे भैया जी का सामान आया है कुछ, आओ देखिए, शॉपिंग दिखाओ। मिंत्रा से मंगाया है इन्होंने। Are you guys ready? Tara 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 GTS Amazfit, ठीक है ना, समझ गए ना। देखो तो बेसिकली इट्स अ स्मार्ट वॉच, भाई देख के पता चले चुका है। तो इसमें मेन फीचर्स क्या है कि मेन हमको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होती है लॉन्ग बैटरी लाइफ, तो वो इसमें है। प्लस मेन इनको चाहिए वाटर प्रूफ, क्योंकि ये कूदते फिरते रहते हैं बारिश में। दिस इज वाओ रोज गोल्ड, हाँ तो भाई बस ऐसा कुछ रहा यार, पूरा दिन शॉपिंग भी हो गई, घूमना फिरना भी हो गया, मजे भी हो गए, खाना पीना भी खा के बस घर पे आ चुके हैं। मैं बस ब्लॉग को एडिट कर ही रहा था और ये ब्लॉग जो है आ जाएगा, आज रात में आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो बस आई नो कि ये ब्लॉग बहुत छोटा सा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट आई होप कि जितना भी था आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मतलब आई नो आप लोग पर्सनली मुझे बताना चाहते हो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आप पर्सनली मैसेज करते हो, बट एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि वहाँ पे से क्योंकि यूट्यूब को भी पता चलता है कि हाँ लोग इंगेज हो रहे हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए वो कमेंट भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब एल्गोरिथम हेल्प करती है ग्रो करने में। और प्लस हाँ, जल्दी ही जो अभी तक मेरे सब्सक्राइबर हाइट किए हुए थे मैंने, वो मैं उसको ओपन करने वाला हूँ। तो विद दैट सेट फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी अपने घर वालों का भी। बाय। It ain't enough, give me the check, I give them the-